भर्तियाँ होंगी उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि जितने भी लड़के हैं वो पढ़े लिखे हैं, जैसे क्वालिफिकेशन एम ए बी एड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, वो सेटल हो जाएंगे और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। ये फ़ायदा है हम लोगों के लिए। कश्मीर के हालात जब भर्ती होगी, कंटिन्यू ये काम चलेंगे, एडजस्टमेंट जॉब मिलेगी, उससे ये होता है कि बेरोज़गारी भी ख़त्म और हालात भी पीसफुल होते हैं। देश के लिए सेवा भी करता है इंसान, देश की सेवा। तो आज तक नंबर नहीं आया, हो सकता है, उम्मीद है इस बार शायद नंबर आएगा। तो हर एक तो मतलब ज़बरदस्त कोशिश है, समय रेस करके यहाँ पे पहुँच गया एक्सीलेंट में या गुड में। तो इसलिए रिक्वेस्ट इतनी है सर कि हम पे थोड़ा गौर करें, क्योंकि आज तो इस सिलसिले में यहाँ तक पहुँच के हमारी कुछ एज का जो सिलसिला है वो भी क्लियर हो रहा है। सर एक तो फर्स्टली यह है सर कि अपना जो फैमिली है डिटेलमेंट है वो संभाल सकता है और अपने देश के लिए भी काम कर सकता है बंदा, सर है सर। तो और क्या होना चाहिए सर? सबसे बड़ी बात यह कि हम यहाँ से तो बाहर तो जा नहीं सकते, हमारे लिए अगर लोकल एरिया में अगर ऐसी भर्ती होगी, बहुत सारे नौजवान हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं और कामयाब होते हैं। हमने यहाँ पर जैसा अभी एक्सीलेंट किया और हम चाहेंगे कि आगे भी हम आगे बहुत अच्छा बेहतर करके दिखाएं, क्योंकि आर्मी में जाके हमें ये कि हम वहाँ से ऑफिसर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने लेकिन पहले स्टार्ट नीचे से करनी है, अगर सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने लेकिन शुरुआत नीचे से करनी है, इसलिए हमने अभी पहला कदम रखे हैं इस टेरिटोरियल आर्मी में। और हम यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसमें जाके आगे आर्मी के ऑफिसर्स के लिए भी ज्वाइन करूं। जो गलत रास्ते पे है वो अपना काम कर रहे हैं, और जैसे कि फौज अपना काम कर रही है वो अपना काम करें, जैसे हम आए अपनी मर्जी से आए तो हम अपना काम करेंगे। हम उनसे यही हमारा मैसेज उनको यही है कि जितना हो सके गलत कामों से बचें, गलत रास्ते पे जाने के लिए बचें, तो अपने लिए जिए सर, कुछ करके देखें सर।